हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री न्यू लेसन। ओके, सो ये जो लेसन है वेरी इजी, वेरी सिंपल और बहुत छोटा लेसन है। ओके, अगर आप इस इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझ लेते हो तो इट इज वेरी श्योर दैट यू विल बी एबल टू डू ऑल द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस लेसन वेरी इजीली। सो लेट्स प्रोसीड टू इंट्रोडक्शन। ओके, सो हम एक एग्जांपल से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको सपोज करना है कि एक पेज है, ठीक है, और पेज पे सपोज मैं एक यहाँ पॉइंट देता हूँ, एक पॉइंट है कोई पी, और मैं आपसे ये पूछूं कि आप बच्चों ये बताओ कि ये पॉइंट जो पी है इस पेज पे कहाँ है। तो ऑब्वियसली आप क्या जवाब दोगे, आपके दो तीन सवाल आंसर हो सकते हैं। आप ये बोल सकते हो कि सर ये जो पॉइंट है पेज के अपर पार्ट में है, या आप ये बोल सकते हो कि अपर हाफ में है, कोई ये भी बोल सकता है कि अपर लेफ्ट कॉर्नर पे है, और अगर आप ज्योग्राफी की लैंग्वेज में बोलोगे तो आप बोल सकते हो कि ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। तो बच्चों आपने जो भी बोला आपका सब बात सही है। इसी पॉइंट को जब एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ने बताने की कोशिश की अपने लैंग्वेज में, मैथ के लैंग्वेज में, तो और उसने जो बताया वहीं से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का शुरुआत हुआ। ठीक है, उसने क्या यूज किया, दो कोऑर्डिनेट का यूज किया, दो निर्देशांक को यूज किया। उसने ऐसे इसी पॉइंट को बोला कि ये जो पॉइंट है लेफ्ट साइड से सपोज ये 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है, और ये अगर हम ये बात करें कि बॉटम से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। मैथमेटिक्स लैंग्वेज में इसको हम बोलेंगे तो ये बोलेंगे कि ये जो पॉइंट पी है वो लेफ्ट एज से 3 सेंटीमीटर और बॉटम एज से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। और इसी कॉन्सेप्ट के बाद एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नया ब्रांच खुला मैथमेटिक्स का। आप इसी चीज को एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हो। दूसरे एग्जाम्पल में हम ये आपको बताते हैं कि सपोज कि एक क्लासरूम का एक सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा है, ठीक है, इसमें बेंचेज लगे हुए हैं 1, 2, 3, 4, ये बेंच का क्या है रो है। ओके, तो आप इसको लिख सकते हो रो 1, ठीक है, R2, R3, R4, और इस पे जो बच्चे बैठे हैं उनका जो कॉलम है, ये कॉलम इस, ये जो इस तरह का जो दिखा रहा है वर्टिकल, वो कॉलम है ये C1 है, आप सपोज कर लो C2 है, ओके, C3 है और C4 है। मतलब इस चार बेंच पे 1, 2, 3, 4 ऐसे चार बच्चे बैठे हुए हैं। सपोज कि यहाँ अभिजीत है, कोई बच्चा अभिजीत है और वो सिटिंग हेयर, ही सिटिंग हेयर, और मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ कि ये इस क्लासरूम में कहाँ बैठा है। आपका जवाब ये हो सकता है, आप ये बोल सकते हो कि सर ये रो 2 में बैठा है, ओके, तो आपका जवाब सही है। कोई बोल सकता है कि सर ये कॉलम 3 में बैठा है, ये भी जवाब सही है। बट एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, कोई अगर ये हम अगर ये इसको बोलें कि सर ये जो है रो 2 और कॉलम 3 में बैठा है, रो 2 आई मीन सेकंड बेंच और थर्ड कॉलम में बैठा है, तो ये जो पोजीशन अभी जो बताया गया दैट इज एग्जैक्ट पोजीशन। मींस ये कि किसी भी प्लेन में किसी पॉइंट को बताने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है। ओके, इसी कॉन्सेप्ट को और क्लियर और सिंपल करने के लिए डिकार्ट्स ने क्या किया कि एक वर्टिकल लाइन लिया, नंबर लाइन जिसको y नाम दिया, और दूसरा नंबर लाइन लिया x डैक्स। ओके, और फिर उसने क्या किया कि इस लाइन वर्टिकल लाइन को इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे ओरिजिन से, इस पॉइंट ओरिजिन से परपेंडिकुलरली इसको इंटरसेक्ट कराया। ओके, आई मीन ये जो वर्टिकल लाइन है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन का जो ओरिजिन है और इसका जो ओरिजिन है दोनों कोइंसाइड करके और इस पूरे प्लेन को चार भाग में डिवाइड किया। जब इस नंबर लाइन y डैक्स को इस फॉर्मेट में जब डिकार्ट्स ने ले आया तो ये पूरा जो प्लेन है वो चार पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, अच्छा, ये जो नंबर लाइन आप देख रहे हो x डैश, इसको उसने एक्स एक्सिस बोला। ओके, इसका नाम उसने एक्स एक्सिस रखा, राइट, और ये जो y डैश जो नंबर लाइन है इसका नाम उसने वाई एक्सिस रखा, राइट। ये जो आप सभी देख रहे हो बच्चों वो x ये जो है पॉजिटिव x एक्सिस है, कौन सा
पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बिकॉज यहाँ ओ एक्स पे जो भी नंबर डिनोट किए गए हैं वो सभी पॉजिटिव हैं, ओके। और उसके बाद ये जो ओ वाई देख रहे हो ये हुआ पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। उसी तरीके से ओ वाई डैश ये जो हुआ नेगेटिव वाई एक्सिस, ओके ना, नेगेटिव वाई एक्सिस हुआ। और ओ एक्स डैश जो हुआ ये हुआ नेगेटिव एक्स एक्सिस। और जब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जीरो पे उसने परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कराया तो क्या हुआ कि ये पूरा प्लेन जो है वो चार इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, ओके। इस चारों पार्ट को, इक्वल पार्ट को उसने क्या नाम दिया, क्वाड्रेंट, राइट। और ये पहला जो क्वाड्रेंट है, ये जो क्वाड्रेंट है, दिस क्वाड्रेंट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट वन, क्वाड्रेंट टू, क्वाड्रेंट थ्री, क्वाड्रेंट फोर। आप याद रखेंगे ये जो क्वाड्रेंट वन का जो साइकिल है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऐसे नहीं कि क्वाड्रेंट वन, क्वाड्रेंट टू, थ्री, ऐसे नहीं आप बोलेंगे, ओके। जो फिक्स किया गया वही आपको फॉलो करना है, क्वाड्रेंट वन दिस, क्वाड्रेंट टू, क्वाड्रेंट थ्री, क्वाड्रेंट फोर, ओके ओके। तो ये जो क्वाड्रेंट वन है, क्वाड्रेंट वन में जो साइन होंगे, जो भी कोऑर्डिनेट, यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट होगा, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट में जो भी पॉइंट आएगा, कोई भी पॉइंट, उसका जो सिंबल एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का जो सिंबल होगा, साइन होगा, दोनों का क्या होगा, प्लस प्लस। आप भी बता सकते हो कि यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट का साइन क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट का साइन होगा माइनस, क्योंकि ओ एक्स डैक्स जो है इसमें आएगा, तो ओ एक्स डैक्स पे जो साइन है उसका डिजिट है उसका साइन क्या है, निगेटिव है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का जो साइन होगा वो माइनस होगा और वाई कोऑर्डिनेट का साइन होगा प्लस। मतलब क्वाड्रेंट टू में जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का जो साइन होगा माइनस प्लस होगा, ओके। थर्ड में आप देखकर बता सकते हैं कि इसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी माइनस में है और वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस में है, सो यहां पर एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट का जो साइन है वो माइनस माइनस होगा, ओके। अच्छा, यहां पे आप बताओ, आप भी बता सकते हो, यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट, आप याद रखना कि कभी भी जो हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, देन वाई कोऑर्डिनेट, वाई को पहले नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का साइन क्या होगा, प्लस होगा, और यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट का साइन क्या है, माइनस, नेगेटिव होगा। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का साइन प्लस और माइनस होगा। और डिकार्ट्स ने इसी पूरे सिस्टम को, प्लेन को फोर्थ इक्वल पार्ट में डिवाइड करना बाय यूजिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और क्वाड्रेंट में डिवाइड करना चारों प्लेन को, ओके। और इस पूरे सिस्टम को डिकार्ट्स ने क्या नाम दिया, कार्टेशियन सिस्टम, ओके। बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको मैं बताना चाहूंगा इस इंट्रो में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, वो ये है। पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले जो जिस तरह से एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यूज करके जो ये पूरे प्लेन को फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, तो ये जो प्लेन अब जो बना, दिस प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन, तीनों नाम इसको दिया गया, ठीक है। या तो इसको कार्टेशियन प्लेन कह लो, कोऑर्डिनेट प्लेन कह लो, एक्स वाई प्लेन कह लो, ये इसको कहा गया, ओके। सेकंड इंपॉर्टेंट बात कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है किसी भी पॉइंट का इस पूरे प्लेन में, कोई भी पॉइंट, सपोज ये फोर के सामने यहां पर एक पॉइंट मैं लेता हूं, ठीक है, यहां पर पॉइंट है, दैट इज पी, और ये जो है फोर और ये थ्री, यू कैन से, और फोर यहां भी फोर, लाइक दिस यू कैन से कि नियर अबाउट जस्ट फोर, हम इसको ले लेते हैं कि फोर के पास। तो यहां पर x और y का जो कोऑर्डिनेट होगा, सी सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, तो ये कितना होगा, माइनस फोर, और y कोऑर्डिनेट उसके बाद, ये भी फोर है, तो यहां कितना लिखेंगे, फोर। मतलब पॉइंट p का जो कोऑर्डिनेट हुआ x और y कोऑर्डिनेट, वो माइनस फोर और फोर हुआ, ओके। तो ये जो माइनस फोर एक्स कोऑर्डिनेट है, इसी को एब्सिसा भी कहा जाता है, ठीक है। और जो y कोऑर्डिनेट जो 4 देख रहे हो, इसी को ऑर्डिनेट भी कहा जाता है, ठीक है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो ओरिजिन होता है O, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, आई मीन उसका x और y कोऑर्डिनेट कितना होगा, या उसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट कितना होगा, तो वेरी इजी, आप जो अब याद रखना इस बात को कि जो ओरिजिन होता है उसका जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट होता है, या एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो जीरो जीरो होता है। फोर्थ नंबर जो मेन पॉइंट है बच्चों, वो ये है कि सपोज अगेन कि ये पॉइंट पी का जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट माइनस फोर और फोर है,
तो एक्चुअली जो एक्स है ना, एक्स जो कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है, ओके, ये होता क्या है एक्चुअली, एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू, एक्स कोऑर्डिनेट जो है दिस माइनस फोर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। सो एक्स कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू होता है दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ये बात आप थोड़ा ध्यान से याद रखना, समझना। और सिमिलरली जो वाई कोऑर्डिनेट होता है, ओके, वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या हो जाएगा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ओके, इन द लास्ट ऑफ दिस इंट्रो, ठीक है, मैं आपको एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे। सो लेट अस सी द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि टेल द क्वाड्रेंट्स इन विच द फॉलोइंग फॉल्स। अब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इसका हमें बताना है कि किस क्वाड्रेंट में ये आएगा। तो एज यू नो देयर आर फोर क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट वन, क्वाड्रेंट टू, क्वाड्रेंट थ्री, क्वाड्रेंट फोर, ये चार क्वाड्रेंट है। अच्छा, अब हमें देखना है कि किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, हमें इसके लिए क्या चेक करना है, इसका साइन। तो थ्री और फाइव, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, दोनों का जो साइन है वो प्लस है। तो दोनों का साइन जो प्लस है वो किस क्वाड्रेंट में होता है, क्वाड्रेंट वन। तो यहां पर लिखेंगे क्वाड्रेंट वन। अब ये देखते हैं, अब ये माइनस टू और माइनस थ्री है, तो माइनस टू और माइनस थ्री किस क्वाड्रेंट में होता है, माइनस टू और माइनस थ्री ये क्वाड्रेंट थर्ड में होता है, ठीक है ना। क्वाड्रेंट थर्ड में साइन क्या होता है, माइनस माइनस। तो यहां पर टू का भी और थ्री दोनों, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट का साइन माइनस है, मीन्स कि ये जो क्वाड्रेंट है किसमें आएगा, क्वाड्रेंट थर्ड। अब इसके बाद ये थर्ड पॉइंट है, थ्री एंड माइनस सिक्स। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव है, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव किसमें होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो क्वाड्रेंट फोर में क्या होता है, प्लस माइनस। तो ये जो आएगा थ्री और माइनस सिक्स, तो थ्री का सिंबल प्लस है और सिक्स का जो वाई कोऑर्डिनेट है माइनस है, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर, क्वाड्रेंट फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्यू आर। यहाँ पे इस प्लेन में तीन पॉइंट मैंने आपको दिखाया है, एक पॉइंट पी यहाँ है, सेकेंड पॉइंट क्यू इज हियर एंड थर्ड पॉइंट आर इज हियर। आपको क्या करना है, उसके कोऑर्डिनेट बताना है ये ग्राफ देख करके कि उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो लेट्स सी, सबसे पहले पॉइंट पी पे आते हैं। तो ये जो पॉइंट पी है ये किस क्वाड्रेंट में है, आप देख रहे हो वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का साइन क्या होता है, माइनस माइनस होता है। अब हम देख लेते हैं कि एग्जैक्ट जो पोजीशन पी का है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस फोर है, माइनस फोर का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये माइनस फोर एक्स कोऑर्डिनेट है, ओके। और वाई कोऑर्डिनेट जो है ये माइनस थ्री है, तो यहां पर क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस फोर माइनस थ्री। अब आते हैं पी के बाद क्यू पे। तो क्यू चूंकि यहां लिखा हुआ है तो इस क्वाड्रेंट में हमें बताना है इसका कोऑर्डिनेट, ओके। ये थोड़ा ध्यान से आप देखना, क्यू का जो कोऑर्डिनेट बताना है तो हमें सबसे पहले इसका क्या लिखना होगा, चूंकि क्यू इस साइड लिखा है तो इस कोऑर्डिनेट में हम इसका बताएंगे। और कोऑर्डिनेट टू में आपको पता है कि जो साइन होता है वो क्या होता है, माइनस प्लस होता है। अब हम देखते हैं, एक बात और ध्यान रखना कि यहां पर ये जो पॉइंट पी है वो वाई एक्सिस पे है, तो हमेशा आप याद रखेंगे कि वाई एक्सिस पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है जीरो होता है, और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो ये जो पॉइंट क्यू है वो वाई एक्सिस पे है, मींस यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, जीरो, और वाई कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट प्लस टू है, तो यहां पर प्लस टू मतलब जीरो टू, क्यू का जो पॉइंट होगा, जो कोऑर्डिनेट होगा वो जीरो टू होगा। नाउ लेट सी द पॉइंट आर। आर इसमें लिखा हुआ इस क्वाड्रेंट में, तो हम देखेंगे आर को यहां पर हम बताएंगे आर इस पॉइंट में, इस सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो यहां पे आर चूंकि हम देख रहे हैं कि आर किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, तो अभी मैंने बताया क्या कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट हो तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो, ओके। तो सबसे पहले लिखते तो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस फाइव, तो माइनस फाइव यहां लिखेंगे। और चूंकि ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट विल बी जीरो। ये था आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंप्लीट इंट्रो। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। इन कमिंग वीडियोस मैं आपके जो इस एक्सरसाइज के जो एक दो लेसन है बहुत ही सिंपल है वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, वहां से आप देख लेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू सब्सक्राइब, और कुछ भी अगर आपको डाउट होता है या आपको कैसा वीडियो